let's start with thanks to Allah. I'm a self-made man, started with scratch, proud to be. छोटे से काम से शुरू करके खुदा की मेहरबानी हुई और उसमें सबसे दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं बतानी, एक अल्लाह पे यकीन ईमान जो खुदा ने मेहरबानी फरमाई, और साथ ही साथ जो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि मैंने देखा है दुनिया में कोई चीज़ भी आसानी से हासिल नहीं होती, बहुत तकद्दो करनी पड़ती है, बहुत जदोजहद करनी पड़ती है, बार 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 आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली खुदा की मेहरबानी से इंसान आगे बढ़ जाता है। मैं थोड़ा स्पीडी लिखाऊंगा जी। छोटा सा काम किया, बढ़ते रहे, बहुत तकलीफें देखी, आगे चलते रहे, अल्लाह ने मेहरबानी की, जहां जहां मौका मिला डेवलप करने का कोशिश की कि डेवलप करें। एक छोटी सी दुकान से कारखानेदार बने, कारखानेदार से फिर इंपोर्ट करने लग गए, इंपोर्ट करते हुए कोई ज्यादा सरमाया नहीं था, ये भी समझिएगा। आई बिलीव इन इट कि सरमाए से ज्यादा जो आपके अंदर की पावर है वो जरूरी है, एंड दैट पावर विल टेक यू समवेयर वेयर एवर यू वॉन्ट, विच इज अ लिंकेज बिटवीन हियर एंड हियर। जब आप दिल और दिमाग से इकट्ठे हो जाते हैं एक ही मकसद के लिए, तो फिर आने वाली चीज कोई भी, वो आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कोई किसी किस्म की हर्डल हो, कोई चीज आपके सामने कुछ नहीं है। मैं चूंकि एक मजदूर बाप का, मेहनती बाप का बेटा हूं, और मुझे अपने वालिद की जिंदगी पे फख्र है। वो उनको खुदा ने एक थोड़ी जिंदगी दी, अल्लाह जानता है, वो जल्दी दुनिया से चले गए। He died when I was too young. This was 1994. और उसके बाद फिर मुझे समझ में आई कि ये दुनिया, इसमें रहना आसान बात नहीं। वो कैसे मुनव्वर भाई, कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आप खामोशी से अंडर वाटर स्विम करके जाएं, और एक स्टेज पे जब आप अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे और आप बाहर निकलेंगे तो उस वक्त आप ताकत गेन कर चुके हो, फिर ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये आपको अफेक्ट नहीं कर सकेंगी। दैट्स व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज। इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। एक स्टेज आई, थोड़े से पैसे जमा हो गए, हम एक होटल में पार्टनर बन गए, और मुझे वो दिन याद है जब मैं होटल में पार्टनर बना तो कराची के एक सेठ ने मुझे फोन किया शाम में कि अतीक भाई आज आप सेठों की लिस्ट में आ गए। आई सेड व्हाट डू यू मीन, ही सेड कि आप अब बड़े आदमी बन गए। आई सेड यार आप बंदा भी, इंसान भी कभी बड़ा बन सकता है, इंसान तो बहुत छोटी सी चीज है अगर उसको समझा जाए। बारह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसलिए शेयर करता हूं कि मुझे भी याद रहे और दुनिया को भी याद रहे। उसके बाद मुझे मौका मिला, जैसा कि मेरा प्लान था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊं। खुदा का शुक्र है मैंने ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा कोई भाई नहीं है, पार्टनर नहीं है, बच्चे छोटे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फैमिली बहुत अच्छी दी है, ये खुदा की मेहरबानी है। हर चीज में, हर तरह से मेरी फैमिली ने मेरे साथ दिया, आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होने के काबिल हैं, ये भी अल्लाह की मेहरबानी। जब मैंने ग्रुप ऑफ कंपनीज रन करना शुरू किया तो मैं ना तो फैक्ट्री का मैनेजर बनना चाहता था, ना मैं बना, ना मैं मजदूर बनना चाहता था, ना मैं ऑपरेटर बनना चाहता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करके अपने प्रोजेक्ट को चलाना था, और जो डिसाइड हुआ हुआ है, जो हमने प्लान बनाया हुआ है उसको इंप्लीमेंट कराना, उसी को मैंने वाजे किया अपनी टीम को, और हमारा कल्चर ये बन गया कि सबके सामने ये आ गया कि मियां साहब बेईमानी, उसके बाद झूठ, उसको बर्दाश्त नहीं कर, बस आपने गलती की है कोई बात नहीं दोबारा ठीक कर लेंगे। आगे चलते हुए वक्त गुजरता रहा, 2000
2010 में 2006-07 में मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में आ गया। 2010 में मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी मैं रहा। आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम देम 2010 से 11। 2012 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, पॉलिटिकल सेटअप में आया, नेशनल पॉलिटिक्स में आया। यकीन कीजिएगा मुझे पता नहीं था कि मैं कभी मेंबर ऑफ द अपर हाउस, ये जो बैक पर तस्वीर लगी हुई है, इसका मेंबर बन जाऊंगा। ये भी खुदा की मेहरबानी। लेकिन एक चीज जरूर है, जिस दिन मैं सुबह जा रहा था, ये तमाम उन लोगों के लिए जो नौजवान देखते हैं और चाहते हैं और समझते हैं कि रातों रात बहुत बड़ा बना जाए, बन भी जाते हैं। लोगों की लॉटरियां अमेरिका में, कनाडा में, आपने देखा होगा, यूरोप में लगती है, लेकिन वो कितने हैं? वन इन मेनी मिलियंस। तो इट डिपेंड्स कि क्या आप वो होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो लोग दिन दिन रात रात मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की जरूर देता है। तो मैंने जो चीज देखी, सुबह मैं जा रहा था जब पार्लियामेंट में ओथ लेने के लिए, तो मेरे उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, मियां साहब जा रहे हो? मैं कहा, जी बिल्कुल शाहजी मैं जा रहा। मुझे कहते हैं कि बस फिर एक गल सुन लो। मैं कहा, जी की? कि हुण तुसी पढ़ने पे हो। तो मैं कहा, शाहजी मैं इलेक्शन लड़ लिया, अल्लाह का शुक्र है, आई गॉट द मैक्सिमम वोट, मेरा नोटिफिकेशन हो गया, सेनेट का कार्ड बन गया, आज अल्लाह की मेहरबानी है, मैं ओथ लैन जा रहा हूं, आधे घंटे डेढ़ घंटे बाद ओथ ले लेना है। तो तुसी कहंदे हो मैं पढ़ने पिया? कहंदे हां मियां साहब, समझो तुसी जाके दो किताबां हिफज करनिया ने, एक ग्रीन किताब है जो आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा मैरून किताब है जो कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ सेनेट पार्लियामेंट, वो है। ठीक है, वो ही हुआ। मुनव्वर भाई ट्रस्ट मी, मैंने जिंदगी में कभी सेनेट को, हॉल को, सेनेट के हॉल को अंदर से नहीं देखा। अरे खानदान में कौन काउंसलर नहीं बन सकते थे कोई? अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, पता नहीं कैसे बन गए, बस बन गए। सो उसके बाद जब मैं ओथ लेकर निकला, तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, ठीक है, इट टुक मी मेनी मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पार्लियामेंट में आ गया हूं तो यहां करना क्या है। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब तक आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन को नहीं समझेंगे, आप सक्सेसफुल लेजिस्लेटर कैसे बन सकते हैं? अब लेजिस्लेशन को समझने के लिए मैंने, यहां एक लॉ कॉलेज है रावलपिंडी में, उसको ज्वाइन किया। सबसे पीछे कुर्सियों पर जाकर बैठता था, आगे सारे वकील बैठे हुए हैं, पढ़ाने के लिए जजेस आ रहे हैं, और बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन सीखी। यकीन कीजिएगा ये जो आईने पाकिस्तान की किताब है, उसको पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, समझना तो बहुत दूर की बात है कि आर्टिकल क्या है, एक्ट क्या है, क्लॉज क्या है, सेक्शन क्या है, सब क्लॉज क्या है, सब सेक्शन क्या है, ये आसान बात नहीं। मैं समझता हूं कि खुदा की मेहरबानी थी मुझ पर कि मैं आज अल्लाह की मेहरबानी से I become the most problematic child in both houses. Reason being, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने जिंदगी में मुझे जो कुछ मिला है अल्लाह की तरफ से मिला है, ये कोई दुनिया में मुझे नहीं दे सकता भाई। फिर जब मेरे बुजुर्ग हैं, ये आखिरी बात है, फिर मैं आपकी दूसरी बात पर आ जाऊंगा, उसके बाद आप और सवाल कीजिएगा और मैं टाइम को मद्देनजर रखकर चल रहा हूं। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो पीर साहब हैं, करोड़ों उनके मुरीद हैं, हमारे वो बुजुर्ग हैं,
कुछ चंद हफ्तों के बाद मैं उनको मिलने गया तो मुझसे उन्होंने दो सवाल किए। पहला सवाल ये किया कि मुबारक हो सेनेटर बन गए। मैंने कहा जी किसने बनाया? मुस्कुराए। मैंने कहा जी अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने दिल में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया, जितने लोग थे सारे मेरे साथ खड़े हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बन गया। उसके बाद उन्होंने, हजरत साहब मुझे कहते हैं कि बेटा क्यों सेनेटर बने? मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मुनव्वर भाई जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, दुनिया में एक मुकाम दिया, क्यों, बस आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे साथ हुआ। मैंने इधर देखना शुरू किया तो हजरत साहब मुस्कुराए और मुझे कहते हैं बेटा हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान है इस बात पे कि मरने के बाद हिसाब होगा। उन्होंने कहा 22 करोड़ लोगों में 103 लोग हैं, 104 उस वक्त में थे, अभी एक नहीं है, उन 104 लोगों में आप आए हो। 22 करोड़ की आवाम में 104 लोगों में आना खुदा की मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? हजारों लाखों लोग मुझसे ज्यादा पैसे वाले, मुझसे ज्यादा ताकत वाले, मुझसे ज्यादा खानदान वाले, मुझसे ज्यादा वोट रखने वाले, हर चीज, अकल, शक्ल, ताकत, सूरत, इल्म, तरबियत, हर चीज मुझसे ज्यादा, फिर भी मेरे अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसका हिसाब सबसे पहला मरने के बाद यही होगा। मुझे आंसू अपना आंखें भर आई, खामोश हो गया मैं। जब जब ये बात आती है मुझे बहुत डर लगता है, अल्लाह माफ कर। मुझे कहते हैं कि मरने के बाद जब हिसाब होगा तो कुछ चीजें हाथ में लेके जाओ, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ इस मुकाम की वजह से होनी चाहिए। अगर आप एक रेडी वाले होते, एक टांगे वाले होते, एक मजदूर होते, एक मोची होते, एक नाई होते तो आपकी एक्सेस वो नहीं थी, आपकी पावर वो नहीं थी जो आज है। मैं कंक्लूड करूं, देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है और शुक्र है मेरे अल्लाह का, अल्लाह की देन है ये। अब जिस जगह में मैं आया हूं ये भी शायद उसी का एक हिस्सा है। खैर ये हमारा मिशन बन गया कि जाते हुए इस दुनिया से कुछ साथ लेकर जाना है, जिसको कह सके कि या अल्लाह मैं तेरी मखलूक के लिए ये करता रहा। अंदर आपका जानता है, कोई और माने या ना माने, कोई किसी और को बताने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मनोहर भाई, अभी आपने कहा डिजिटल सेनेटर एंड डिजिटल वर्ल्ड, वेरी क्विकली सर तकरीबन एक महीना पहले कोरोना आया, पाकिस्तान की तरफ भी आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे पास भी एक रास्ता था जैसे मेरे दोस्तों ने किया कि या दोस्तों के साथ मिल मिला लें, मतलब फोन की हद तक, या नेटफ्लिक्स देख लें, पबजी खेल लें, डिजिटल लूडो खेल लें, यूट्यूब पे, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यूट्यूब पे बैठकर ड्रामे देख लें, फिल्में देख लें, वो सीरियल चल रहे हैं मुख्तलिफ, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इंडियन, वो देख लें। बट मेरी नजर में दुनिया में आने का मकसद वो नहीं है, उनको देख के अपना टाइम जाया ना किया जाए, क्यों ना अपने आप को एलिवेट किया जाए, क्यों ना इल्म हासिल किया जाए। मेरी ख्वाहिश ये थी लेकिन डायरेक्शन नहीं पता थी। हमारे एक बाबा हैं ई गवर्नेंस के, उनको ई पाकिस्तान बनाने का बहुत शौक है, पिछले 15-18 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि हम एक वेबिनार कर रहे हैं, ये 20 तारीख की बात है, 20 से शुरू हुआ था लॉकडाउन 20 मार्च। मैंने कहा अच्छा शाह जी ये वेबिनार क्या है? उन्होंने कहा आपको जूम का नहीं पता? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं क्यों कहूं जब मुझे एक चीज पता ही नहीं। कहा चले आपको बता देंगे। कल है, कल भी आ गई, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, फोन किया बस ये लिंक को प्रेस करें, मैंने प्रेस किया, मेरे लैपटॉप के ऊपर आ गया, हम जूम में वो टिक टिक करके उसमें नंबर डाले, आईडी डाला, जूम में चले गए। इस तरह हम रूम से जूम में चले गए, एंड दैट इज ट्रस्ट मी आई एम राइट नाउ सिटिंग इन माय बेडरूम अ कॉर्नर हियर, दिस इज द टेक्नोलॉजी। कि इस टेक्नोलॉजी ने मुझे 24 घंटे पीछे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये एक्चुअल
सेनेट ऑफ पाकिस्तान है भाई, इसमें जो हमारे चेयरमैन सामने नजर आ रहे हैं वो चेयरमैन बैठे हैं, इसमें जो अगली सीट है उसके ऊपर मैं बैठा हूं। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह की मेहरबानी से। तो राउंड द क्लॉक यू आर सिटिंग देयर, ये कितनी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। खैर, जब मैंने वो पहली मीटिंग अटेंड की भाई, जिंदगी की वेबिनार की पहली मीटिंग, दुनिया के लिए वेबिनार बहुत आसान है और जूम जो है पिछले कई सालों से है, आज हमारे लिए भी वो घर की मुर्गी के बराबर हो गया। खैर, सॉरी टू यूज दीस वर्ड, लव टू, बिकॉज इन चीजों को मेरे साथी मेरे दोस्त बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, ये तंजो मजा जो है ये जिंदगी का एक हिस्सा है, और अगर इसको साथ रखा जाए तो जरा बात थोड़ी शीरी हो जाती है, मीठी और नमकीन, और उसमें एक मिठास के साथ साथ खट्टापन भी पैदा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। खैर, मैं आगे चलता हूं भाई। सो सेकंड डे आई रियलाइज कि यार इसमें तो 38 कंट्रीज के लोग बैठे हुए थे एंड 270 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, रात को मैंने 10-12 घंटे कंटिन्यूअसली लगाए कि व्हाट एक्चुअली जूम इज, वेयर वी आर, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज डिजिटल सिस्टम। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। मुझे तीन हफ्ते लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत कुछ पढ़ गया, बट एटलीस्ट इस डिजिटल वर्ल्ड का जो कोरोना के बाद 2020 के बाद 21वीं सदी में जो हम चले गए हैं, वो जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी बेसिक्स मैंने समझी। एक दिन जूम में एक और बड़ा शाहकार अल्लाह वाला, वाकई में ही अल्लाह ने उसको अल्लाह वाला बनाया, रहमान अल्लाह वाला, वो मेरे साथ एक जूम मीटिंग में बैठे थे। हम दोनों एक दूसरे को शायद दूर दूर से जानते हो, वो मुझे ज्यादा जानते थे क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है, मेरी पार्टी की वजह से शायद जानते थे, मैं उनको इतना नहीं जानता। उनकी मुझे कॉल आई, सेनेटर साहब मैं रेहान अल्लाह वाला बोल रहा हूँ। हाँ, उस दिन हम चुके एक वेबिनार में साथ थे, दूसरे दिन उनकी कॉल आई सुबह, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई अभी कर लें, वॉइस मैसेज आया, मैंने कॉल बैक की, मैंने कहा जी अभी कर लें। कहते नहीं आप अभी, हमने जरा डिटेल में, ठीक है कब करना चाहेंगे? उनका जी शाम को, रात को कर लीजिएगा, मैं आपको 11 बजे कॉल करूंगा। मैंने कहा जरूर कर लें। जब उन्होंने मुझे कॉल की तो उससे पहले कि वो करते, अब इतनी तो समझ मुझे भी आ गई है, मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने चाचा से पूछ लिया। खैर, थोड़ा सा मुझे उनके बारे में पता लगा, उन्होंने भी मेरे बारे में सारा कुछ मालूम किया। रात को जब बात हुई, मुझे कहते हैं मियां साहब आपको जैसे इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में होना चाहिए वैसे नहीं है। मैंने कहा जी क्या मतलब? कि यूट्यूब के ऊपर आप कम नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे आप कम नजर आते हैं। मैंने कहा भाई मैं कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूं, जितनी समझ आई है उतना मैंने कर लिया है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑन इट, थैंक्स टू अल्लाह। खैर, मैंने उन्हें कहा कि जी क्या, उन्होंने कहा आपको स्ट्रीम यार्ड का पता है? मैंने कहा वो क्या है? कहते हैं अच्छा अभी करते हैं, ट्रस्ट मी। वो मेरे साथ पास व्हाट्सएप उस पे थे, वीडियो कॉल पे, मैंने अपनी स्क्रीन उनको दिखाई, टक 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 शुरू किया, हमें उन्होंने स्ट्रीम यार्ड पर बिठा दिया, थैंक्स टू अल्लाह। और एक मेरा प्रोग्राम भी उन्होंने, 2-3 उनके वो जो फेसबुक फ्रेंड्स थे वो लॉगिन हो गए, और हमने एक ऐसे करके 2 लोगों को और बिठाकर एक स्ट्रीम यार्ड का प्रोग्राम कर दिया। मुझे कहते ये आपका बन गया। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने ये जो नीचे चल रहे हैं टिकर विकर ये भी मुझे बता दिया। मेरी एक आदत है कि वो बता रहे थे मैं लिख रहा था साथ साथ। मैंने अब तक जो कुछ सीखा है पिछले दिनों में वो ये 50-60 पेजेस में एक एक सफा मेरा जो है वो आपको नजर आएगा, मेरे हैंड रिटन और मेरे नोट्स हैं। यही मेरा जिंदगी में तरीका रहा है। खैर भाई, मैंने अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया शाम को, तो रात को बल्कि दोबारा, मुझे कहते मियां साहब क्या बन रहा है? मैंने कहा जी मैं स्ट्रीम यार्ड देख रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा दिखाएं। मैंने जब स्ट्रीम यार्ड खोला, ही वाज सरप्राइज्ड। कहते हैं मेरे कोई 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ हैं, मुझे आप जैसा कोई नजर नहीं आया। आई सेड क्यों यार, आपने तो ये 5 स्ट्रीम होती हैं, 5 की 5 स्ट्रीम पे डाल दिया स्ट्रीम यार्ड को। आई सेड व्हाट्स द बिग डील?
कहते कैसे किया? मैंने कहा जी मेरे चाचा है, मेरा चाचा मुझे सारा कुछ बताता है। कौन सा चाचा? मेरे चाचा गूगल। 1995 में मैं सर्च इंजन गूगल यूज करता था, उस वक्त में 6 सर्च इंजन थे, 3-4 तो इंजन ही उनके गर्क हो गए, गायब हो गए। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मेरा चाचा गूगल कायम है और अल्लाह का शुक्र है मेरे उससे ताल्लुकात भी बहुत हैं। जब भी कोई चाचा गूगल से मियां तीक का पूछता तो कहता है वन एंड ओनली द ऑल ओवर द वर्ल्ड मियां तीक, थैंक्स टू अल्लाह। और अब तो अल्लाह ने मेरे चाचा को हमारी चाची भी दे दी है, सीरी जो है कि जब मैं उससे बात करता हूं तो बात करके भी बताती है कि मुनव्वर अब्दुल्ला इस वक्त किधर है, मुनव्वर अब्दुल्ला क्या कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है अपना, ऑस्ट्रेलिया का हेड कौन है, पाकिस्तान इस वक्त कोरोना में कितने लोग आ गए हैं। सो दिस इज व्हाट आई सेड जी, मैं तो चाचा और चाची के बगैर नहीं चल सकता। हंसा, बहुत हंसा वो भी, कहते यार मैंने ये पहली दफा सुना है। यकीन कीजिएगा उस दिन के प्रोग्राम में जिस दिन अभी आप फोरम जुबैरी और वो सारे बैठे हुए थे, जब मैंने चाचा गूगल का जिक्र किया, कहते यार ये तो हमने भी नहीं समझा। मैंने कहा तुम्हारा चाचा गूगल नहीं है, मेरा है, थैंक्स टू अल्लाह। तो बताने का भाई ये मकसद ये है कि जब तक आप कुछ बनने के लिए मेहनत नहीं करेंगे आप कुछ बन नहीं सकते। और आज की दुनिया में पैसा बहुत सेकेंडरी है, पैसा, ताकत, हर चीज, इल्म, इल्म वो जो मेरे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वक्त आन पहुंचा है। और उस वक्त में इल्म हासिल करने के लिए कहते थे जाओ चाइना, दुनिया का मुश्किल तरीन सफर था। आज तो इल्म आपके घर में आ गया है, लेकिन हम कितनी बदकिस्मत कौम है, बिलखसूस पाकिस्तानी और खास तौर पर मेरे नौजवान बच्चे, बच्चियां, बहनें, भाई, क्यों अपनी जिंदगी का टाइम जो है ना वो ऐसे गुजारते हैं, क्यों नहीं इस इल्म को अपनी बेहतरी के लिए हासिल करते। नाउ ओवर टू यू भाई, सॉरी आई बिट इमोशनल, मैं हो जाता।